और वह एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई से उनके आवास पर मुलाकात की है। अब जानते हैं मुलाकात के मायने क्या है, मुलाकात में क्या बात हुई है ये साफ नहीं है, लेकिन मायने समझ सकते हैं हम। कुलदीप बिश्नोई वही विधायक जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर कह सकते हैं मदद की कार्तिकेय शर्मा की राज्यसभा पहुंचाने के लिए, और समर्थन तो बीजेपी का था, जेजेपी का भी था, निर्दलीय विधायकों का था, लेकिन कांग्रेस की ओर से कुलदीप बिश्नोई का बगावत के तौर पर था। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के साथ क्या हुआ उसके बाद वो भी सभी जानते हैं, लेकिन ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल मोर, मायने आप ही समझा दीजिए इस मुलाकात के दर्शकों को विस्तार से। देखिए कमल, आप भी वहां पर मौजूद थे और आपको भी पता है अगर कुलदीप बिश्नोई का वोट कार्तिकेय शर्मा को नहीं मिलता तो शायद कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में नहीं जा पाते। जब कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी से बगावत करके खुले तौर पर कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया है, कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का वोट बिल्कुल निर्णायक वोट हम कह सकते हैं। तो अब उसी को लेकर कहीं ना कहीं धन्यवाद जता रहे हैं। फिर कार्तिकेय शर्मा पहुंचे हैं, कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात हो रही है। कहीं ना कहीं कार्तिकेय शर्मा की तरफ से कुलदीप बिश्नोई का धन्यवाद जताया जा रहा है, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा जीतने के बाद से लगातार चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री के साथ उनसे भी मुलाकात की थी मिलकर, जेपी नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे भी मुलाकात की थी, और अब कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करने पहुंचे और कहीं ना कहीं धन्यवाद यहाँ पर कार्तिकेय शर्मा की तरफ से जताया जा रहा है। तकरीबन आधे घंटे से मुलाकात चल रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों नेता बैठे हैं, तो तमाम जो समीकरण है उनको लेकर बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। भविष्य में कुलदीप बिश्नोई का किस तरीके का स्टेप रहने वाला है, क्योंकि देखिए कुलदीप बिश्नोई पर आज सबकी नजर टिकी हुई है। कांग्रेस की तरफ से उनको पदों से हटाया जा चुका है, अब कांग्रेस भविष्य में उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है या कुलदीप बिश्नोई की ही तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाता है, ये तमाम पहलू भविष्य में देखने वाले हैं। लेकिन जो बातचीत हो रही है, दोनों नेता बैठे हैं, तो तमाम पहलुओं को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये भी देखा जा रहा है अनिल मोर की जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं कार्तिकेय शर्मा की बहुत मजबूत कर रहे हैं वो खुद ही, जैसा कि आपने बताया कि कई बड़े नेताओं से मुलाकात की और अब कुलदीप बिश्नोई से। देखिए बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद से कार्तिकेय शर्मा लगातार जो केंद्रीय नेता है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, धन्यवाद जता रहे हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की, डिप्टी सीएम से मुलाकात की, और दिल्ली की अगर बात करें दिल्ली में भी लगातार जो बड़े नेता है आलाकमान है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। भले ही कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय तौर पर जीत कर आए हों, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से उनका पूरा जोर से समर्थन किया गया। हालांकि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी निर्दलीय सभी ने संयुक्त तौर पर उनको जीत दिलाई है, लेकिन केंद्र में अब कहीं ना कहीं जो कार्तिकेय शर्मा की राजनीति रहने वाली या उनकी राजनीति बीजेपी के साथ मिलकर रहने वाली है। भले ही वो निर्दलीय तौर पर जीत कर आए, लेकिन क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वो कार्तिकेय का समर्थन भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी और बताए मायने इस मुलाकात के। बेशक साफ नहीं हो पाया कि क्या निकलकर बात सामने आई, लेकिन अनिल मोर ने बहुत कुछ बता ही दिया है।